नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंडो सीट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है आलू गोभी मसाला। और मोस्टली ये जो रेसिपी है ये जनरली जब कोई मैरिज फंक्शन या कुछ बर्थडे पार्टी ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं तो उस समय पर बहुत ज्यादा पसंद की जाती है नॉर्थ इंडिया में। ये एक तरह से मसाला करी नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली आपको कॉलीफ्लावर चाहिए, ये कॉलीफ्लावर है 300 ग्राम्स, पोटेटो है 200 ग्राम्स, 3 मीडियम ऑनियंस है, ठीक है, ये साइज देख लीजिए आप, और 4 to 5 रेड चिली है, ड्राई रेड चिली। इसके बाद है ग्रीन चिल्ली 4 और गार्लिक 3 क्लोव्स। थोड़े बड़े साइज हैं, दैट्स व्हाई आई टेकन 3 only, ठीक है। अगर आपके जो है मीडियम इसे छोटे साइज के तो आप थोड़े ज्यादा ले सकते हो, और बेस्ड ऑन योर टेस्ट आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इन ऑनियंस को, चिल्ली गार्लिक को, और 2 रेड चिली या 3 रेड चिली, 3 रेड चिली को हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक और रेड चिली 4, ठीक है। और ये जो पोटेटो थे इसे मैंने डाइस कर लिया है, ठीक है। एक चीज और बता देती हूँ कि जो कॉलीफ्लावर होते हैं ना, इसमें एक्चुअली कभी कभी आपको छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं इसको पानी बॉईल करके उस पानी में हल्दी और नमक डालती हूँ, थोड़ा सा टर्मरिक एंड सॉल्ट, और उसमें इसको 2 मिनट के लिए सोक कर देती हूँ। सो ये आपको थोड़ी येलोइश दिख रही है, वो हल्दी के कारण, और उसके बाद उसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। हमने एक थिंक बॉटम वाला जो है बर्तन ले लिया, कुकर है ये, एक्चुअली आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये जो हमारे पोटैटो है, ऑयल डाल रखा है, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लीजिए क्योंकि शैलो फ्राई करना है, ठीक है। थोड़ा सा मच के डालेंगे, मैं लगने का भी ना हूँ। और ये गोभी, यहाँ पर जो है फ्राई हो रहा है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। एक शाइनिंग आ जाती है वेजिटेबल्स में, प्लस जो उसका फ्लेवर होता है, इस तरह से जब आप उसको पकाने से पहले आप उसको शैलो फ्राई करते हैं तो वो जो फ्लेवर होता है वो सीज हो जाता है, बहुत ज्यादा मसाले के साथ जो है बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको इस तरह से एक तरह की कोटिंग हो जाती है वेजिटेबल्स के ऊपर। तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ, पिछली बार भी आपको कहा था कि जब भी आप मसालेदार थोड़ा थिक ग्रेवी वेजिटेबल्स बनाए या करी बनाए, तो हमेशा जब आप बिल्कुल फ्राई सब्जी बनाना चाहते हैं ना, ड्राई फ्राई जो होती है, तब तो आप मसाले डायरेक्टली डाल सकते हैं वेजिटेबल्स में। लेकिन जब आप मसाला थोड़ा सा थिक मसाला बना रहे हैं या थोड़ा करी बना रहे हैं, आपको हमेशा जो ड्राई मसाले होते हैं ना हमारे, जिंजर सॉरी कोरिएंडर, सॉल्ट, टर्मरिक सॉरी हाँ टर्मरिक एंड चिली, उसको थोड़ा सा पानी में सोक करके रख देना चाहिए ताकि उसका जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाता है, सोक वाले में काफ़ी एक तरह से रिच जो है वो मसाले जो पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको शेल
शैलो फ्राई हमने किया है लगभग 7 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कैरामलाइज लग रहा होगा आपको। ठीक है, इसको हम कर लेंगे इससे ऑयल से सेपरेट, इसको हम निकाल लेंगे इटालिक बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने जो हमारी कॉलीफ्लावर और पोटैटो है उनको एक अलग पैन में एक बाउल में निकाल लिया है इधर। और अब हम इसी ऑयल में डालेंगे ये क्रश मसाला, गार्लिक चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली है। और इसमें अगर आपको 2-3 पीस देखिए ऐसे मिल रहे हैं, ये बड़े पीस हैं, ब्राइट हैं, कुछ चंक से, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे मसाले के बारे में मैं आपको बता रही थी तो ये बता देती हूँ। देखिए ये मैंने लिए हैं मसाले, कोरिएंडर जो है वो 2.5 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टीस्पून है, चिल्ली 1.5 टीस्पून है, और टर्मरिक जो है 1/4 टीस्पून। इसको हम कर देंगे पानी में सोक। इसी बार भी जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी में सोक करते थोड़ा सा लिक्विड ही लगेगा, लेकिन विद इन 5-10 मिनट ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, वाइल कुकिंग ही आप इसको 2 सेकंड का करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको पानी में सोक करके साइड में रख दिया है। और एक चीज और मैंने जो ली है, जो जनरली मैं यूज करती हूँ हमेशा, वो है गरम मसाला। आप अपने किसी भी पसंदीदा ब्रांड का ले सकते हैं। और साथ में इसको थोड़ा सा रिच करने के लिए, जब मैरिज वगैरह हो या कोई फंक्शन हो तो इस करी को थिक, ग्रेवी को थिक और रिच करने के लिए इसमें कैश्यू पाउडर मिलाया जाता है। तो वो मैं भी आज वो करी, मैंने यहाँ पर कैश्यू पाउडर लिया है, लगभग 10-15 कैश्यू से मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, वो हम डालेंगे लास्ट में। अब ये जो मसाला है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि जो हम ये थिक ग्रेवी बनाते हैं ना जनरली, इसको यहाँ पर खड़े होकर ही बनाइए और हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करिए। बस जो लास्ट की कुकिंग रह जाती है उसको आपको स्लो पर या मीडियम पर करना। और ऑयल जैसे मैंने कहा है, क्योंकि जो थिक ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स या डिश होती है, सॉरी नॉट वेजिटेबल्स, डिश जो होती है उनके लिए ऑयल थोड़ा ज्यादा लगेगा। जो लिक्विड करी होती है उसमें ऑयल थोड़ा आप कम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अदरवाइज उसका जो टेस्ट भी और प्लस जो उसकी लुक होती है, जो एक प्रेजेंटेशन होता है, उतना उभर कर नहीं है। तो इस मसाले को हम भुनने देंगे। अभी देखिए अभी काफी बिल्कुल कच्चा सा ही है, इसको लगभग 5 मिनट तक आपको इस आंच पर फुल फ्लेम पर भूनना है। अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो आप बस थोड़ा सा हल्का सा चला दीजिए, लगने मत दें मसाले को। ठीक है, यही कर दीजिए। तो यहाँ पर मसाला जो है वो भुन चुका है, ये आपको ज्यादा ऑयली नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो हमने शैलो फ्राई किया है वेजिटेबल्स उसमें ऑयल है। तो एट द एंड क्या हुआ, सब कुछ एक ही साथ मिक्स हुआ। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ऑयल बहुत कम लग रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है, तो लास्टली आप जो है 1 स्पून घी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, 1 स्पून फिनिश ऑयल में कुकिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा सोफ्ट ड्राई मसाले जो है इसको डाल देंगे। ठीक है, हम इसको डालेंगे और इसको भी आपको हाई फ्लेम पर ही कुक होने देना है। इसको आप चाहे तो कवर कर दें थोड़ा, इसमें आपको 2 टीस्पून या थोड़ा सा पानी डालना ही है, 2-3 टीस्पून, ताकि ये थोड़ा सा
कुक होने के लिए इसको भी थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए ना, अदरवाइज ये बर्न हो जाएगा। तो मैंने टोटल यहाँ पर 5 टीस्पून पानी इसमें डाल दिया है, और अब ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये कुक हो रहा है। इसको कुक होने दीजिए, इसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड नॉट टू स्टीर इट, जस्ट बट स्टैंड हियर, बीच बीच में आपको जरूर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये कुक हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ कि मसाला फ्राई हो गया है कैसे पता लगे। ऑलरेडी सारे वीडियो में आपको ये बताती हूँ, तो आप तो आप खुद भी कुक करते हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो यहाँ पर सर हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा ऑयल नहीं दिख रहा है, ये अच्छी बात है आपके लिए, तो लेकिन ये हो जाएगा जब हम इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे, ठीक है। और अब हमको डाल देना है ये जो हमारा शैलो फ्राई मेन हीरो है, इसको आपको इसमें बिल्कुल डाल देना है, ठीक है। और आपको इसको ऐसे मिक्स करना है, आपको इन दोनों की फ्रेंडशिप करा देंगे, क्लोज फ्रेंड्स। अभी थोड़ी सी फ्रेंडशिप एक चक्कर नहीं हुई ना, तो अपन इस फ्रेंडशिप को और पक्की करेंगे। हाँ, अब हम डालेंगे इसमें ये जो प्यारा सा हमारा कैशू पाउडर है, ठीक है। ये लगभग अगर आप पाउडर यूज करते हैं तो आप 2.5 टीस्पून यूज कर लीजिए, और इसको भी हम आपको इससे अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। ये अब इसको क्या करना है, अब इसको फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है थोड़ी देर के लिए, कम से कम आपको 3-4 मिनट्स के लिए फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, चलाने की जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि लग रहा है नीचे बर्न हो रहा है, स्टिक हो रहा है, तो फिर आप एक बार चला लीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी जो मसाला है उसकी दोस्ती हो गई है इससे, देखिए हो गई ना अच्छी खासी। थोड़ी सी जब हमने इसको आंच फायर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे पानी, वाटर, ठीक है। और वाटर क्यों डालना है, जब इसको कुक तो होना है ना, तो वाटर डालनी पड़ेगी। हमने सिर्फ शैलो फ्राई किया था, कुक तो नहीं किया था। और ये याद रखिए क्योंकि आपको इसको करी नहीं बनाना है, मसाला ग्रेवी बनाना है, तो आप इसमें थोड़ा ही पानी डालिए। तो मैंने लगभग इसमें डाला होगा 3/4 ग्लास या 3/4 ग्लास वाटर, ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्टिकी सी होगी ना तो अच्छा लगेगा। और आप इसे चपाती के साथ नहीं, पराठे के साथ सर्व करें तभी अच्छी लगेगी, या बटर नान के साथ, ठीक है। अब हम इसे होने देते हैं कुक। तो ये कुक होगी, इसके बाद लास्टली हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और फिर इसे गार्निश करेंगे कसूरी मेथी और रेड चिली से, ठीक है। कुक होने देते हैं, और कुकिंग टाइम यहाँ पर आपको रख लेना है 7 मिनट फर्स्ट, 5-7 मिनट के बीच में एक बार आप आके इसको चेक जरूर कर लीजिए। अगर ये कुक हो चुका है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको जो है कुक कर लीजिए। अभी मैंने इसको जो है मीडियम स्लो फ्लेम पर रखा है, और कुकर में है, विसल नहीं देना है आपको, इसको बिना विसल के लिड करके पकाना। देखिए मैं यहाँ पर मैंने विसल नहीं रखा हुआ है, और आप चाहें तो दूसरा कोई बर्तन भी रख सकते हैं कवर करने के लिए। तो तैयार है हमारी आलू गोभी मसाला ग्रेवी, और आप इसको एंजॉय करिए बटर नान के साथ या फिर पराठों के साथ, देखने में डिलीशियस लग रही है ना, तो तुरंत बनाइए अपने किचन में जाकर।
और इसी तरह की और डिशेस के लिए और रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।